LIC न्यू एंडोमेंट प्लान में व्यक्ति 130 रुपये प्रतिदिन जमा करके पा सकता है 21 लाख रुपये मैच्योरिटी अमाउंट प्लस डेथ बेनिफिट। LIC का जो ये न्यू एंडोमेंट प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और कोई भी इसे ले सकता है। इस प्लान में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि पॉलिसी होल्डर को एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल पोजिशन में रखता है। इस पॉलिसी का प्लान नंबर है 914। ये प्लान 2020 में LIC ने लॉन्च करा था और लोगों का रिस्पॉन्स इस प्लान को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। तो इस प्लान के बारे में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, और इस वीडियो के अंत तक आपको इसके बारे में हर एक डिटेल पता लग जाएगी। तो सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन इस प्लान को परचेस कर सकता है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो पहले हम बात करेंगे एज की। तो इस प्लान को लेने के लिए एक व्यक्ति का मिनिमम एज होना चाहिए 8 साल, और यहाँ इस प्लान को लेने वाले व्यक्ति का मैक्सिमम एज हो सकता है 55 साल, यानी कि 8 साल के बच्चे से लेकर 55 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। इसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की। तो पॉलिसी टर्म के लिए यहाँ मिनिमम ड्यूरेशन दिया गया है 12 साल का, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म का ड्यूरेशन है 35 साल। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति 12 से 35 साल तक कोई भी टाइम चूज कर सकता है, जैसे कि 13 साल, 15 साल, 25 साल, 33 साल या फिर 35 साल तक। बात करते हैं इस पॉलिसी के सम एश्योर्ड के बारे में। तो यहाँ इस पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपये, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड पर कोई लिमिट नहीं दी गई है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि सम एश्योर्ड का मतलब ये नहीं है कि इतना अमाउंट आपको पॉलिसी लेते वक्त देना पड़ेगा, बल्कि ये है कि उतने अमाउंट का बीमा आपको मिलेगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझेंगे ताकि आपको पूरी चीज़ समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। हम मान लेते हैं कि एक 25 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को लेना चाहता है और उनका सम एश्योर्ड है 10 लाख, पॉलिसी टर्म उनका है 20 साल। तो यहाँ उनका जो पहले साल का प्रीमियम होगा वो होगा अराउंड 130 रुपये प्रति दिन, यानी 3900 रुपये महीना, और 46,800 रुपीज़ पर ईयर। व्यक्ति के पास यहाँ 4 मोड्स अवेलेबल होंगे प्रीमियम पेमेंट के लिए, और वो होंगे ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड या मंथली मोड। जो व्यक्ति है उन्हें यहाँ पूरे पॉलिसी पीरियड के चलने तक ये प्रीमियम भरते जाना होगा, यानी कि 20 साल तक उन्हें प्रीमियम भरना होगा। तो जब ये पॉलिसी ख़त्म होगी तब जो व्यक्ति है उनकी उम्र होगी 45 साल, मतलब व्यक्ति के 45 साल के उम्र में ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और जो इसका मैच्योरिटी का अमाउंट रहेगा वो होगा 21,08,000 रुपये। ये कैलकुलेट होता है व्यक्ति के टोटल सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस को मिला के। तो ये चीज़ वैलिड है नॉर्मल सिचुएशन में, जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई डेथ या एक्सीडेंट का सीन ना हुआ हो। अगर आपको इस कैलकुलेशन को समझने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उस सिचुएशन की जब अचानक पॉलिसी होल्डर की कुछ कारणवश डेथ हो जाती है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। डेथ बेनिफिट्स कैलकुलेट करे जाते हैं टोटल सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस को मिला के। तो उसका जो भी फाइनल अमाउंट रहता है वो पॉलिसी होल्डर के चुने गए नॉमिनी को मिलता है। इस पॉलिसी का एक और एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि व्यक्ति इसमें टर्म राइडर ऐड करा सकता है, जहाँ पे उनके नेचुरल डेथ पे नॉमिनी को 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। सिमिलरली इस पॉलिसी पे व्यक्ति एडिशनल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को भी ऐड करा सकता है, जहाँ नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर के एक्सीडेंटल डेथ पे 5 लाख रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपको जानना ज़रूरी है वो है सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में। व्यक्ति पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट लमसम एंड इंस्टॉलमेंट्स दोनों तरीके से चाहे तो ले सकता है, यानी कि व्यक्ति चाहे तो इस मैच्योरिटी के अमाउंट को 5, 15 या 20 साल के इंस्टॉलमेंट्स में ले सकता है। अगर व्यक्ति इस ऑप्शन को लेता है तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे LIC उन्हें इंटरेस्ट भी देगा। बस उन्हें इस पॉलिसी के ख़त्म होने के 3 महीने पहले LIC को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं। वैसे ही नॉमिनी डेथ बेनिफिट्स को भी इंस्टॉलमेंट्स में ले सकता है, यानी कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें डेथ के बाद जो अमाउंट होगा वो नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा या फिर एक साथ मिलेगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, और इन छोटी छोटी बातों का जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या और बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी को लेने के साथ। तो एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी में एडिशनल राइडर्स का। मैंने पहले ही मेंशन करा था टर्म इंश्योरेंस राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में। इनके अलावा भी आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी मिल जाता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर में अगर व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेता है और अगर बच्चे के पिता की डेथ हो जाती है तो बच्चे को इस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है लोन बेनिफिट्स के आकार में, जहां पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। बस इस पॉलिसी को 2 साल पूरे करने होंगे और उसके बाद ही आप इस पे लोन ले सकते हो, और लोन के अमाउंट पे आपको LIC को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। LIC ने इस पॉलिसी पे सरेंडर बेनिफिट भी दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पॉलिसी चलने के 2 साल बाद आप इसको सरेंडर करते हो तो आपको एक सरेंडर वैल्यू अमाउंट मिलेगा, पर अगर 2 साल से पहले आप सरेंडर करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है। इस पॉलिसी पे आपको ग्रेस पीरियड का भी बेनिफिट मिलता है। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति किसी कारणवश प्रीमियम को भर नहीं पाता है, तो उस मामले में LIC ने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए हैं कि वो उस प्रीमियम को पे कर पाएं। अगर व्यक्ति ने मंथली मोड ऑफ पेमेंट चूज करा है तो उन्हें 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर व्यक्ति ने किसी भी और मोड को चूज करा है तो उन्हें 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। हर एक पॉलिसी की तरह यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जहाँ आप अपना प्रीमियम टैक्स से घटा सकते हैं, और अगर आपका इनकम फ्यूचर में बढ़ता है तो टैक्स पे मैक्सिमम सेविंग्स आपको मिल जाती है। आखिरी बेनिफिट इस पॉलिसी का ये है कि अगर व्यक्ति अपना प्रीमियम टाइम से नहीं भर पाता है तो उन्हें रिवाइवल पीरियड मिलता है, जहां वो पॉलिसी के बंद होने के 5 साल के अंदर उसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं प्रीमियम अमाउंट और लेट फीस पे करके। इस पॉलिसी के कंपैरिजन में आपकी स्क्रीन पर मौजूद LIC टेक टर्म प्लान आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, जो आपको दे रहा है 20 रुपये प्रति दिन में 1 करोड़ का सम इश्योर्ड। इसे मिस ना करें और अभी चेकआउट करें।